आपका स्वराज एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूँ रश खगौरी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंडल विकास खंड के ग्राम भंडार डिग्गी में एक शिक्षक ने 150 रुपए देने का लालच देकर छात्रावास के छोटे छोटे बच्चों को अपने खेतों में ले जाकर धान लगाने का काम करवाया। गुरुजी के कहने पर बच्चे श्रमिकों की तरह दिन भर भीगते हुए खेत में धान रोपाई करते रहे। मामला सामने आते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए शीघ्र जांच के बाद जिम्मेदार व्यक्ति पर जरूरी कार्रवाई की बात की है। तो वहीं आश्रम अधीक्षक ने बताया कि रविवार होने के चलते उन्हें इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं हो पाई। तो ये देखिए, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आप खुद सोचिए कैसे बढ़ेगा इंडिया। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए उनसे धान रोपाई करवाई जा रही है। राजकुमार दुबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कार्रवाई हुई अब तक आरोपी शिक्षक पे? अभी तक जांच की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, जब से मामला संज्ञान में आया है। अभी कुछ देर पहले अधिकारियों से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि मामला अभी संज्ञान में आया है और हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बड़ा ख्याल ये राजकुमार कि बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी बाल मजदूरी तो आप करवा ही रहे हैं। आप उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, अंधकार में डाल रहे हैं, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, उनको पढ़ाने की बजाय आप उनसे धान की रोपाई करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था पर जिले में, जहाँ पे पहले से ही शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं से कमी है और शिक्षा विभाग कई समस्याओं से जूझ रहा है, और उस पर भी अगर आश्रम के बच्चों को जाके खेती का काम करा जाए, बड़ा शर्मनाक है समाज के लिए भी और देश के लिए। त्वरित एक्शन लेने के लिए क्या इतवार का इंतजार किया जाएगा कि इतवार क्योंकि शासकीय अवकाश है इसलिए हम आज कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें धांधलीबाजी करनी होगी तो हम उस शासकीय अवकाश को लेकर हम कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें एक्शन लेना है तो शासकीय अवकाश का जिक्र किया जा रहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया गया जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, और जो छात्रावास के अधीक्षक हैं या अधीक्षिका हैं उनके द्वारा क्यों नहीं लिया गया, और कैसे इनको हॉस्टल से जाने की अनुमति दे दी गई? ये आपको बता दें कि ये आश्रम में बच्चे रहते थे इसलिए इनका सीधा संबंध आश्रम के अधीक्षक से, खंड शिक्षा अधिकारी से और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से है। इनकी लापरवाही के चलते कदम हुआ है। इसके पहले आनंद, आपको रोकना चाहूंगी, आनंद महाले जी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका। जी आनंद जी, देख रहे हैं बच्चों की क्या दुर्दशा हो रही है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल मैडम, हमने मौके पर भी जाकर देखा है कि कम से कम 7-8 बच्चे हैं वो मजदूरी करते वहाँ पे पाए गए। हमने मौके पर सहायक आयुक्त को सूचना दी कि यहाँ पे बच्चों को मजदूरी करवाया जा रहा है, लेकिन सहायक आयुक्त भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उस ओर कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको क्या दिक्कत हो गई महावे जी सहायक आयुक्त को कार्रवाई करने में? सहायक आयुक्त और छात्रावास के अधीक्षक का सीधे संबंध होता है, वो अधीक्षक के ऊपर कार्यवाही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं अधीक्षक को बचाना चाहते हैं, चपरासी को बचाना चाहते हैं, बीओ को बचाना चाहते हैं, इन सब का मिली भगत के कारण ये सब कार्यवाही नहीं हो रहा है। अब आप लोगों का आगे क्या एक्शन रहने वाला है, क्या आप लोग चाहते हैं? हम सीधा इसके लिए ज्ञापन तहसीलदार को सौंप देंगे, यदि जिम्मेदार अधीक्षक बीओ छात्रावास के चपरासी के ऊपर यदि कार्यवाही नहीं हुआ और जो मजदूरी करा रहे हैं उस शिक्षक के ऊपर यदि कार्यवाही नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, क्या लगता है अगर ये मामला तो संज्ञान में आ गया, आप लोगों की जानकारी में था तो आप लोगों ने भी आवाज उठाई, ऐसे न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे कि जिनसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जबरन काम करवाते होंगे? जी आज हमको जानकारी मिला, जब अखबार में पूरे खबर सोशल मीडिया में फैला उसके बाद जब पता चला कि हर साल उस शिक्षक के द्वारा इस तरह से मजदूरी कार्य। बिल्कुल, पिछले साल भी महावे जी हम आपको जानकारी दे दें, पिछले साल भी हमने सत्र के दौरान इसी तरह की तस्वीरें दिखाई थी और हमने इस जानकारी को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का कि तमाम चीजें सामने आने के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया महावे जी बातचीत के लिए।
राजकुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं आनंद महावीर जी, जो कह रहे हैं कि तस्वीरें शर्मसार कर रही हैं, लेकिन सिर्फ बोल देना काफी नहीं होता जी। पर इन पर कार्रवाई करना और नहीं करना इनके उच्च अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से मैं भी आनंद महावीर जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो उच्च अधिकारी विभाग के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार राजकुमार सहायक आयुक्त को और जो आश्रम के जो संचालक हैं, संचालिका हैं, उनको, शिक्षक को, तमाम लोगों को हम कॉल कर रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस लगातार उन बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस का नाम सुनते ही, नंबर देखते ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फोन पर आना मुनासिब नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल किया जाएगा, जनता से जुड़ा हुआ उनके सरोकार का ये मामला है, सवाल किया जाएगा तो जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बालाघाट के एक छात्रावास